अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमिराइट टीवी। बाबरा शरीफ असल में कौन हैं और ये किसकी बेटी हैं? आइए हकीकत से पर्दा उठाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बाबरा शरीफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका ताल्लुक किस खानदान से है और ये फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनी? तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि लाहौर में एक शख्स रहता था जिनका नाम शरीफ क्यू यानी शरीफ घी था। इनका देसी घी का थोक का कारोबार था। इनकी तीन बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम फरदोस शरीफ, मंजली का नाम फाखरा शरीफ, जबकि सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बच्ची का नाम बाबरा शरीफ था। एक बड़े अदारे के मालिक ने जब बाबरा को देखा तो उन्होंने जेट नामी एक वॉशिंग पाउडर की मशहूरी के लिए इनको मुंतखब किया कि वो इसमें मॉडलिंग करें, क्योंकि जेट को इस वक्त एक बड़े के मुकाबले में मुतारफ करवाया जा रहा था। इसलिए इनके मालिक चाहते थे कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। ये इश्तेहार बहुत हिट हुआ। इस इश्तेहार में धूम मचाने के बाद बाबरा शरीफ को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक हदायतकार शबाब किरवानी ने अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में बतौर हिरवन कास्ट कर लिया। इस फिल्म के हीरो कलाम मईउद्दीन थे और इनकी भी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हिट होने के बाद बाबरा शरीफ ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। याद रहे कि बाबरा शरीफ की बहन फाखरा शरीफ को भी शबाब किरवानी ने एक फिल्म इंसान और आदमी में कास्ट किया था, मगर फाखरा पर्दा स्क्रीन पर कामयाब ना हो सकी और एक ही फिल्म में आने के बाद वापस अपने घर जा बैठी। इनका घर इस वक्त लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में था। फिल्मी हीरों को अपनी मुतअद्दद गलतियों या किस्मत की वजह से जवाल भी आता है, लेकिन बाबरा शरीफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मशहूर एंकर कामरान शहद के वालिद फिल्म स्टार शहद से शादी कर ली। ताहम आज भी अदाकारा बाबरा शरीफ अपने एमएम आलम रोड गुलबर्ग वाले घर में गुजारे शानदार वक्तों की याद में खोई रहती है और फालतू जानवरों और परिंदों के साथ गुजरे वक्त को याद करती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।